काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। इसमें जो है वो हमारे 7 प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। एक हो गया ट्रायंगल, दूसरा वर्ग, तीसरा आयत और डायगोनल, सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड का, और एक स्ट्रेट लाइन। अब स्क्वायर्स और रेक्टेंगल का देखते हैं। अब ये फिगर है, इसमें क्या है, दो आपके वर्टिकल हैं और दो हॉरिजॉन्टल कॉलम में हैं। तो क्या करेंगे, 2 × 2 + 1 × 1 इक्वल्स टू 4 + 1 इक्वल्स, मतलब 5 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल हैं, तो 3 × 4 2 × 3 + 1 × 2 टोटल हो गया 20। इस वाले में 7 वर्टिकल्स एंड 3 हॉरिजॉन्टल्स, तो 7 × 3 + 6 × 2 + 5 × 1, मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब तक कि किसी एक साइड से पूरा ख़त्म ना हो जाए। 5 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल है, तो 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 टोटल 55। रेक्टेंगल की बात किया जाए तो मेथड तो सेम है, करना क्या है इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल है उन सबका सम कर लेना है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कितना है, 3 है, एंड वर्टिकल 5 है, मतलब 5 कॉलम्स हैं वर्टिकल में और 3 कॉलम्स हैं हॉरिजॉन्टल में। तो 1 + 2 + 3 मतलब हो गया 6, एंड 6 हो गया सम हमारा हॉरिजॉन्टल वाले का, एंड वर्टिकल जो है वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब 15 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब इसमें से नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेंगे जो ऊपर हम लोग मेथड यूज़ किए हैं। ओनली रेक्टेंगल अगर हमें निकालना है तो फिर 90 - 26 कर दिए, मतलब बचा 64। क्वेश्चन 7 में अगर पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, तो 2 + 1 3, और हॉरिजॉन्टल में भी ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, तो 3 × 3 9 टोटल होगा। अब इसमें स्क्वायर संख्या निकाल लेंगे तो फिर वो आ गई 5। अब 9 - 5 = 4, मतलब टोटल 4 ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है। क्वेश्चन 8 में जो है, 6 वर्टिकल है, 4 हॉरिजॉन्टल है, तो अब 6 तक ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया 21, और 1 + 2 + 3 + 4 10, 21 × 10 110 हो गया टोटल इसमें रेक्टेंगल, और टोटल स्क्वायर फिर फाइंड आउट कर लेंगे। 6 × 4 + 5 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 टोटल हुआ 50। अब 210 में से 50 घटा देंगे तो मिलेगा 160। अब स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर बना दिया, तो इसमें ऊपर हम लोगों ने जो ऊपर वाले स्क्वायर है उसके लिए फिर पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें आएगा 5 स्क्वायर, और उसी तरह से नीचे वाले के लिए भी जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी 5 हो गया, तो टोटल 10 स्क्वायर हो गए उसमें। इसमें क्या किया है कि एक स्क्वायर है उसके जो ऊपर में एक और रख दिया है और दूसरे साइड में भी एक और रख दिया है, मतलब इसमें 2 स्क्वायर जो होंगे वो कॉमन कर दिया है, और बाकी अब इसमें निकाल लेंगे, एक में 5 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 5 होगा, तो 15 में से अब 2 कॉमन, तो उसको माइनस कर दिया, हो गया 13। ऐसे ये भी है, यहाँ पे हमारे 5 स्क्वायर बने हुए हैं, तो 5 में 5 होता है 25 हो गया, अब उसके बाद से 4 जो है कॉमन है तो 21 हो गया। ट्रायंगल्स में देखते हैं, ट्रायंगल में अब ये एक ट्रायंगल में बीच में एक लाइन डाल दिया तो फिर 2 पार्ट हो गए, 1 + 2, तो इसमें 3 हो गया। इस तरह से इसमें क्या होगा, ऐड कर लेंगे सबको, तो 1 + 2 + 3, और तीसरे वाले में भी एडिशन हो जाएगा, चौथे वाले में एक और लेयर जब बना दिया है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि
पहले तो नीचे वाले के लिए हम लोग निकाल लेंगे जैसे ऊपर निकाल रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4। अब इसमें दो लेयर्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। और फिर फिफ्थ वाले में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लिए, अब चार लेयर हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गई। सेवन्थ वाला देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 मतलब चार ऐसे कॉलम दे दिए, लेकिन पहले दूसरे में ऊपर एक लाइन खींच दिया है। दूसरे वाले में जो है वो 3 डिवीज़न किया है, मतलब 3 लेयर बनी है, और तीसरे में एक है, चौथे में एक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 10। अब इन दोनों का जो पहले और दूसरे वाले में है तो उसका 1 और 2 ऐड कर दिया, हो गया 3। और फिर जो ऊपर बन रहा है 2 और 3 और 4 में तो उसको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 6 हो गया, तो टोटल हो गया 19। पहले तो बड़े वाले ट्रायंगल हो गए, दो तरफ से उसमें डायगोनल जब खींचे गए हैं तो फिर ये बन गए, एक तरफ से देखेंगे 3, दूसरी तरफ से भी 3, और फिर बीच में जो छोटे छोटे दो बन रहे हैं इसमें आपके 3 3 हो गए, तो मिला के 12 ट्रायंगल हुआ। अब ये 4 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे तो 12 - 4 8 हो गया। उसी तरह से इसमें भी इन पॉइंट्स वजह से कुछ जो ट्रायंगल है वो कॉमन हो जाते हैं, इसलिए इनको माइनस कर दिया जाएगा, टोटल नंबर पॉइंट गिन के माइनस हो जाएगा। स्ट्रेट लाइंस में देखा जाए हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होंगी या डायगोनल खींची गई होंगी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 है, वर्टिकल लाइन है 2 है, और डायगोनल्स 2 खींची है, मतलब 7 लाइंस इसमें टोटल है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल कोई नहीं है, डायगोनल नीचे वाले में गिनेंगे तो 1 2 3 ऐसे और 3 ऐसे, मतलब टोटल 6 है। तीसरे वाले में हॉरिजॉन्टल 1 2 3 बीच में, और वर्टिकल लाइंस 1 2 3 वो भी हैं, और डायगोनल्स 8 हो गए। सर्कल में अगर आते हैं तो सर्कल में कोई ट्रिक नहीं है, जितने भी सर्कल हैं सबको ऐड करना पड़ता है। घन की अगर बात करते हैं तो भी इसमें टोटल क्यूब पूछा है, एक ये 2 3 आपको सामने दिख रहे होंगे, एक पीछे होगा। सुन दूसरे वाले में 3 नीचे है, 2 ऊपर और 1 सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे हमें सामने दिख रहे हैं 3 2 5 6 हमें दिख रहे हैं टोटल, और 2 के नीचे भी एक क्यूब होगा, मतलब एक एक दोनों दो जो 2 लिखे हुए हैं उनके नीचे एक एक क्यूब होंगे, मतलब 2 क्यूब और होगा, 6 + 2 8, और 3 के नीचे 2 क्यूब और होंगे, मतलब 10।